हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम निर्वैर सिंह है और आप सभी का स्वागत है फिर से ट्रेवल बैकपैकर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोलंबिया का वीज़ा आपको कैसे अप्लाई करना है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जो बात करते हैं कि कोलंबिया का वीज़ा हम लोग कैसे अप्लाई करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कोलंबिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। और साथ ही दोस्तों, आपसे बहुत ही हाथ जोड़ के आपसे बेनती है और सॉरी मांगता हूं कि बहुत दिन हो गए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करा। तो दोस्तों, आज से हम लोग अपने एपिसोड सारे के सारे शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोलंबिया वीजा के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज ऑफ मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी जो टॉपिक्स हैं ट्रेवल के रिगार्डिंग मैं बनाता ही रहता हूं। और अगर आपको अगर किसी भी कंट्री का अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है, टूरिस्ट वीज़ा, तो आप बाय मेरे से भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो भी मैं एपिसोड्स बनाता हूं तो मैं आपको प्रॉपर बताता हूं कि आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो मैं आपकी वीज़ा अप्लाई करने में आपकी हेल्प करूंगा। उसके दोस्तों चार्जेस हैं, डिपेंड ऑन द कंट्री, कौन सी कंट्री में आप जाके विजिट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग कोलंबिया वीजा के बारे में। चलो दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कोलंबिया कंट्री के बारे में। तो कोलंबिया जो कंट्री है दोस्तों, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और आप सभी को पता ही होगा एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है कोलंबिया। तो दोस्तों, उस कंट्री का जो वीजा है उसकी फीस है दोस्तों $80 और उस कंट्री का जो टूरिस्ट वीजा है वैलिड है फॉर 90 डेज के लिए। तो दोस्तों, उस वीजा को बोला जाता है वहां पे TP/11, उस वीजा का नाम है। तो दोस्तों, बात करेंगे कि इस कंट्री के जो वीजा है उसको अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए होंगे, देन हमें वीजा मिल सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेशन को। पहले दोस्तों आता है आपका पासपोर्ट, एंड देन दोस्तों उसके बाद आपको जो एप्लीकेशंस हैं उसको फिल करना होगा, देन उसके ऊपर साइन करने होंगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं पासपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, आपका जो पासपोर्ट है वो अप टू 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। ये ना हो कि आप का जो पासपोर्ट है उसकी एक्सपायरी डेट आफ्टर 5 मंथ के बाद एक्सपायरी होने वाला है, तो आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायरी होने वाला है तो उसको दोस्तों एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा बाय एम्बेसी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी जो इटिनरी होती है ट्रेवल के रिगार्डिंग, जिसके ऊपर आप बताते हैं एम्बेसी को कि आज फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो 10 दिन का प्लान है वहां पे घूमने का, या फिर आप 10 दिन जाते हैं, या फिर 7 दिन जाते हैं, या फिर आप 5 दिन जाते हैं, या फिर आप वहां पे 1 मंथ वहां पे स्टे करते हैं, तो ट्रेवल इटनरी के अंदर आपको बताना पड़ता है कि आप कौन कौन सी जगह में जाके आप वहां पे स्टे करते हैं और इतने बजे आप वहां पे जाके कहां पे स्टे करेंगे, कहां पे जाके घूमेंगे, आपको एक डिटेल आपको बना के देनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर ऐसा डॉक्यूमेंटेशन भी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इस डॉक्यूमेंटेशन को बनाकर मैं आपको दूंगा। इसकी फीस लगेगी जो कि मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे इस पर्सनल जो टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, इस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर दोस्तों मेरी ईमेल एड्रेस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करेंगे आपकी जो प्रूफ ऑफ होटल बुकिंग, वो आपका चाहिए होगा दोस्तों, होटल कंफर्म बुकिंग चाहिए। एंड दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे आपका एयर टिकट के बारे में। एयर टिकट जो भी होगी दोस्तों, उसके साथ रिटर्न टिकट आपको लगाना नहीं भूलना। अब बात करेंगे दोस्तों आपका फाइनेंस के बारे में। आपके अकाउंट के अंदर दोस्तों पैसे होने चाहिए, फंड होना चाहिए, जो कि एम्बेसी को ये एग्री करवाए कि आप एक जेन्युइन और एक ऐसे ट्रेवल है कि आप वहां पे जाके एक्सपेंस कर सकते हैं जितने दिन का भी आपका वहां पे स्टे होगा दोस्तों। एंड दोस्तों, बात रही अब एक कवर लेटर की, तो एक दोस्तों कवर लेटर होगा जिसके अंदर आपने अपनी जो इंफॉर्मेशन है आपकी,
जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं दोस्तों, उसके पहले आपको कवर लेटर लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद जो आपने जो फिलअप किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म कोलंबिया का दोस्तों, उसके बाद वो अटैच होगा। देन उसके बाद पासपोर्ट कॉपी होगी। देन दोस्तों उसके बाद आपकी जो ट्रेवल इटिनरी है उसको लगाना होगा। फिर फ्लाइट टिकट हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद आपको होटल का जो कंफर्मेशन वाउचर होता है उसको आपको अटैच करना पड़ेगा। देन उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो फाइनेंस बैंक स्टेटमेंट है दोस्तों उसको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। एंड देन दोस्तों लेटर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द एप्लीकेंट इज वर्किंग। तो दोस्तों अगर आप इंडिया में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जिस भी कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं दोस्तों, उस कंपनी का एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है दोस्तों, उसके अंदर डिटेल दी होती है कि आपकी इतनी सैलरी है और आपका जो ड्यूरेशन पीरियड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है या दो साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर हर एक डिटेल लिखी होती है दोस्तों आपकी। एक वो चाहिए आपका। एंड दोस्तों इनकम टैक्स जो है दोस्तों उसको लगाना आपको नहीं भूलना। एक साल दो साल अप टू टू इयर्स होनी चाहिए दोस्तों आपकी। एंड दोस्तों उसके बाद अप्लाई बात करेंगे अब हम कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है दोस्तों कितनी देर का होता है। दोस्तों यूजली इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है जो 5 डेज का होता है, 5 डेज के अंदर ये वीजा आपको मिल जाता है अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है सभी के सभी सही है दोस्तों। और दोस्तों बात करी जाए आपके वैलिडिटी की, तो दोस्तों बात करी जाए वैलिडिटी की तो ये टूरिस्ट वीजा फॉर कोलंबिया टाइप बी आर यूजली वैलिड फॉर 6 मंथ। दोस्तों ये 6 मंथ के लिए वैलिड होता है ये वीजा। कैन बी यूज्ड सिविल टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द इटिनरी। वीजास आर इशूड फॉर 3 मंथ टू 2 ईयर्स। यू कैन स्टे दोस्तों, ये जो वीजा होगा आपको 2 साल का भी मिल सकता है, 3 साल का भी मिल सकता है दोस्तों। तो आपको वहां पे जो अगर आप कंटिन्यू स्टे करते हैं, आप बस 3 मंथ के ऊपर आप वहां पे नहीं कर सकते दोस्तों स्टे। 3 मंथ या फिर आप 4 मंथ से ज्यादा आप वहां पे स्टे नहीं कर सकते, या फिर 6 मंथ तक। आपको 6 मंथ से पहले आपको उस कंट्री को आपको छोड़ना होगा। और दोस्तों बात करते हैं इस वीजा को आप एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों इस वीजा को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको अपनी कंट्री में आना पड़ेगा और इस वीजा को दोबारा आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। और दोस्तों बात करी जाए सिंगल एंट्री की, तो सिंगल एंट्री की दोस्तों इंडिया के हिसाब से जो इसकी फीस है दोस्तों 6500 है। और रही बात दोस्तों अगर बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते, तो वो चाहते हैं कि वो बाय हमारे से अप्लाई करें या फिर किसी और से अप्लाई करें, तो दोस्तों उसका एक चार्ज होता है जो आपको पे करना होता है, डिपेंड ऑन कंट्री के ऊपर होता है। और दोस्तों अगर कोई भी रिगार्डिंग कोलंबिया वीजा के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी होगी तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप कोलंबिया का वीजा अप्लाई करें, जब भी आप फ्लाइट बुकिंग करवाएं, तो आप ये जरूर देख लें कि आपकी जो फ्लाइट है वो कहाँ से, रूट जो आपकी फ्लाइट फ्लाइट का होगा वो कहाँ से होगा। यूएसए से होगा, फॉर एग्जांपल दुबई, इंडिया टू दुबई, दुबई टू यूएसए, यूएसए टू कोलंबिया। और या फिर आपकी जो फ्लाइट की टिकट ऐसे ना हो कि आप दुबई जा रहे हैं, दुबई से आप ब्राजील जा रहे हैं, ब्राजील से आप कोलंबिया जा रहे हैं, तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि आपको ट्रांसिट वीजा लेने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपको पहले ट्रांसिट वीजा अप्लाई करना, जब भी आपका ये वाला वीजा आ जाएगा उसके बाद आप ट्रांसिट वीजा अप्लाई करिए तो आपको ट्रांसिट वीजा मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रांसिट वीजा इजी नहीं होता। अगर आपको आपके पास जिस कंट्री में आप जाते हैं, अगर आपके पास उस कंट्री का अगर आपके पास अगर आपका वैलिड वीजा होता है तो आपको ट्रांसिट वीजा किसी भी कंट्री का इजिली मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको आज की जो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे और इस टॉपिक को, आज के टॉपिक को आप लाइक एंड शेयर जरूर करना। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता देता हूं कि आपको अपॉइंटमेंट कैसी लेनी होगी। तो दोस्तों आज मैं यहाँ की जो एम्बेसी है, कोलंबिया की जो एम्बेसी है, उसका एड्रेस मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
आप वहां पे दोस्तों फोन करके या फिर दोस्तों उनकी वेबसाइट पे जाके, उनकी वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और वहां पे जाके दोस्तों आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो। जब भी आपके साथ पास सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, देन उसके बाद आपको कोलंबिया वीजा के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। देन दोस्तों उसके बाद आप कहाँ जाइए, अम्बेसी में जाइए और वीजा अप्लाई करिए और वेट करिए कि आपका क्या रिजल्ट आता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वीजा मिलेगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था।